आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे, राजस्थान विधानसभा के सत्र से जुड़ी यह खबर है। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग वित्त, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, संसदीय कार्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सदन में विधायी कार्य भी होंगे, आपातकाल के सेनानियों के सम्मान के लिए विधेयक भी आएगा और राज लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पटल पर रखा जाएगा। सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निशुल्क परिवहन सुविधा के लिए भी विधेयक पारित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, प्रश्नकाल के साथ ये कार्यवाही शुरू होगी, जवाब दिया जाएगा और संबंधित विभाग के विधेयक आज आएंगे, चाहे वो आपातकाल के सेनानियों की बात हो या सेनानियों के सम्मान विधेयक 2024 पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट पर रिप्लाई के दौरान न केवल विपक्ष को निशाने पर लिया बल्कि जनता के लिए एक बार फिर नई घोषणाओं का पिटारा भी खोला है। उज्ज्वला योजना और बीपीएल कार्ड धारकों को एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलता है, लेकिन अब सीएम भजन लाल शर्मा ने इसके लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो जल में घपला कर दिया, प्यासे मर गए लोग, माफिया से मिलकर तुमने रोज लगाया भोग। सीएम भजन लाल शर्मा के बड़े ऐलान, विकास पथ पर दौड़ेगा राजस्थान। राशन वालों को 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शुरू होगी भर्ती। जुलाई को पेश हुआ बजट विधानसभा में पास हो गया। बजट को लेकर दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। सीएम भजन लाल शर्मा का बजट पर सदन में रिप्लाई दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही विधायकों, पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ेंगे। ठीक उलट हमारी सरकार द्वारा तो पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपए मात्र में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल के कारण संभव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात एनएफएसए के लाभान्वित को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने घोषणा की है कि लंबे समय से अटकी हुई ये भर्ती सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी। वही 40% अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी सरकारी सेवाओं के लिए होने वाला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकेंगे। प्रदेश में 70 से 75 साल के बुजुर्गों को पेंशन में 5% अधिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा ने घोषणा की कि सरकार अब 500 की बजाय 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा। इस पर 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। बीकानेर और भरतपुर यूआईटी को विकास प्राधिकरण बनाएंगे। जयपुर में द्रव्यमती नदी के सौंदर्यकरण के लिए नई योजना बनाने की घोषणा की। कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू होंगी। एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनेगा। युवाओं को सस्ती दर पर 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अजमेर में आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इन घोषणाओं को सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी बताया। विपक्ष ने कहा कि सीएम ने कोई नई घोषणा नहीं की है। ऐसा नीरस बजट आज तक कभी नहीं आया होगा राजस्थान में, जिसने जनता के सिर पे कर्जा भी मांड दिया
और विकास के नाम पे कुछ मिला भी नहीं। एक भी ऐसा विजन पेश नहीं किया, एक भी ऐसी योजना पेश नहीं की जो आम गरीब को, पीड़ित को, शोषित को कोई न्याय देने वाली हो, कोई उनके जीवन स्तर में सुधार लाने वाली हो। विकास के पथ पर राजस्थान को दौड़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बार फिर घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मिनी बजट में सीएम ने युवाओं से लेकर हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, साथ ही ऐलान किया है जो कहा उसे इन 5 सालों में पूरा करके भी दिखाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट।